अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम के 4:30 बजे कशर खबरनामे हेत साहिल अमीन तुंदिस खदमत मंज हाजिर तो पेश खबरन हुन तफसील। जम्मू कशीर मंज ये मिलिटेंसी हवाले एस आई यू तरफ कार्रवाई जारी है। आज ताम एस आई यू तरफ कई रिहायशी मकान तो जायदाद सीज करना आई। तच वस्ती कशीर हिंदे जिले श्रीनगर मंज आज एस आई यू तरफ बैथना कमरवारी तो संगम ईदगाह इलाकन मंज कार्रवाई अमल मंज अन्ना आमच। यथ दौरान ब्रथना इलाकस मंज त्रे रिहायशी मकान तो संगम इलाकस मंज अक रिहायशी मकान मिलिटेंटन पना दिन किस पैदाशस मंज सीज करना आय। कमरवारी किस ब्रथना इलाकस मंज ये मोहम्मद आसिफ नाथ, मोहम्मद अलताफ डार तो मुदसर अहमद मीर सुंद रिहायशी मकान सील करना आव। तच ईदगाह संगम इलाकस मंज अब्दुल रहमान भट्ट सुंद रिहायशी मकान आज कार्रवाई दौरान सील करना आमुत। जम्मू कशीर हिंद एल जी मनोज सिन्हा आज श्रीनगर मंज मुनद तकरीब पत जराई ब्लॉक के नुमाइंदन सत कान वोनमुत प्रॉपर्टी टैक्स वसूल कर सके तमीर तरक्की मजीद बेहतर सपद तो लूकन पज इंतजामिया अथवास कर ख्वाब पूर कर यम बापत सरकार तकदव करान। 40% लोगों पर कोई टैक्स नहीं। 2,03,600 ऐसे घर हैं जो 1500 स्क्वायर फुट के नीचे। इसका मतलब कि अधिकतम 1,000 रुपए एक वर्ष में 1,000 रुपए एक वर्ष में माने 1,000 रुपीज मैक्सिमम इन वन ईयर। और इसमें भी 2,03,600 में से 80% ऐसे होंगे जिन्हें 600 रुपए से भी कम देना है। और मैं तुलना अगर शिमला से करूं, अम्बाला से करूं, देहरादून से करूं तो 1/10 ऑफ शिमला, अम्बाला एंड देहरादून। तो इसलिए सामान्य आदमी की चिंता हमने की है और अभी भी मैं कह रहा हूं कि कॉमन मैन को कोई दिक्कत है वो जरूर प्रशासन को लिखे, हमारे प्रमुख सचिव को लिखे, हमसे कहे। उसमें कोई सामान्य आदमी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वैसे ही कमर्शियल की अगर मैं बात करूं तो 1,10,000 दुकानें, 1,01,000 दुकानें हैं श्रीनगर, जम्मू और बाकी म्यूनिसपैलिटी में मिलाकर। इसमें लगभग आधी 46% दुकानें ऐसी हैं जो 100 स्क्वायर फुट के नीचे की, और उन पर जो एक वर्ष में खर्चा आने वाला है 700 रुपये। और 46,000 में से मुझे लगता है 80% ऐसे लोग होंगे जो 500-550 के रेंज में होंगे, तो 50 रुपया महीना मान लेंगे। और 30,000 ऐसी दुकानें हैं जो जिनको साल में 2,000 से कम देना, ये भी तीनों शहरों से 1/10 है। तो मोटे तौर पर 1,01,000 में से माने 76% ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ही न्यूनतम भुगतान करना है। मुझे लगता है कि इससे बेहतर व्यवस्था कोई नहीं हो सकती है। और बार बार हमने दोहराया है कि ये जो धन आएगा वो उसी कॉरपोरेशन के, उसी म्यूनिसपैलिटी के अकाउंट में जमा किया जाएगा। हमारे शहर ग्रोथ के इंजन बन सके उसके लिए काम किया जाएगा। सामान्य आदमी की नागरिक सुविधाओं में बढ़ोतरी हो इसके लिए इस पैसे का उपयोग किया जाएगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ JKUT में वो नहीं जाएगा। मैं समझता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिक से निवेदन करना चाहता हूँ कि आइए प्रशासन का सहयोग करिए, एक अच्छा जम्मू कश्मीर बनाने में हम सब आगे। जुनूबी कशीर हिंदिस अच्छन इलाकस मंज ये राथ सुबह संजय शर्मा नामलूम बंदूक बरदारों तरफ गोलियन हुंद निशान बनाने आव। तच आज PDP सदर महबूबा मुफ्ती अच्छन इलाक वातित दगजद अयाल सत यकजती हुंद इजहार कोरमुत। ये जन महबूबा मुफ्ती अथ मौकस पेट वोन यथ वाक पेश इन सत मुकामी मुसलमान सेठई शर्मंद सपदन तिकाज वादी कशीर हुंद भाईचार पूर दुनिया मंज मानने जान तो यथ वाक अंजाम दिन सत भाईचार जख वातना कोशिश करने वाले। ये जो आज हुआ यहाँ पर जिस बेदर्दी से इस संजय शर्मा को कत्ल किया गया,
वो सब हम सब के लिए, हम जो यहाँ के रहने वाले खासकर मुसलमान हैं, हम शर्मिंदा हैं। हम वही लोग हैं जम्मू कश्मीर के, कश्मीर की वादी के वही मुसलमान हैं जब 1947 में पूरे हिंदुस्तान में दंगे हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम फसादात हो रहे थे। कश्मीर की वादी एक वाहिद जगह थी जहाँ के मुसलमानों ने अपने सब कुछ दाव लगा के यहाँ के हिंदू, यहाँ के मुसलमान, यहाँ के सॉरी सिख, यहाँ के कश्मीरी पंडितों को बचाया। मगर आज यहाँ के मुसलमान खुद मुसीबत में फंसे हुए हैं। एक तरफ से सरकार का जुल्म, मिलिटेंसी खत्म करने के नाम पे हमारे हजारों लोगों को जेलों में डाला जाता है, हमारे मकानों पे ताला लगाया जाता है, NIA ED के छापे डाले जाते हैं टेरर फंडिंग के नाम पे, मिलिटेंसी के नाम पे। हमारे हजारों की तादाद में हमारे लोग बाहर के जेलों में हैं और उनके घरवालों की कोई रसाई नहीं है उन तक। और रोज हमारे यहाँ आज भी 4 मकान अटैच किए गए और हमें ये बताया जाता है कि हम मिलिटेंसी खत्म करें। अगर मिलिटेंसी खत्म है तो इसको किसने मारा? क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है? अब मैं सरकार से मेरी ये मैं कहना चाहती हूँ, एक तो जो इसकी बीवी है बहुत छोटी है बेचारी, इसको नौकरी दी जानी चाहिए। इसकी 3-3 बच्चे हैं, इसके कम से कम एक एक बच्चे के नाम पे 5-5 लाख रुपए बैंक में रखा जाना चाहिए। और उस संजय कुमार की, जो संजय शर्मा की जो बहन है, उसके बच्चे यहाँ DC ऑफिस में काम करते हैं, किस तरह काम करेंगे? उनका भी कोई सिक्योरिटी का चारा किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो लोग जो बचे कुछ यहाँ पर लोग बचे कुछ हैं वो भी दिल बर्दाश्त होकर चले जाएंगे। और मेरी अपनी कम्युनिटी कश्मीर के मुसलमानों से ये गुजारिश है कि इसमें कोई शक नहीं है, मुसीबत में फंसे हुए हैं। एक तरफ से BJP का जुल्म, दूसरी तरफ से मिलिटेंट के बंदूक, मगर ये असासा है, हमारी कश्मीरियत की निशानी है। ये कश्मीरी पंडित, ये हमारे हिंदू लोग, ये हमारी सिख बरादरी, खुदा के लिए जो हमसे बन पड़ता है हमें इनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। यपच भारतीय जनता पार्टी हिंद एक वफदन रविंदर रैना सिंदिस कयातस मज अच्छन इलाकुक दौर कोरमुत यत दौरान तिमो संजय शर्मा सिंदन लवाकिनन सहित तजियत कोर यल जन रविंदर रैनान अथ मौकस पेट वोन जे अच्छन इलाकस मज मुसलमानन हुन संजय शर्मा सिंद आखरी रसूमातन मज शामिल सबदन ची यकत वाजे करन जे वादी हिंद लोक च रिलित मिलित दो गुजारन यचन ताहम च के लोक हिम जन अथ जख वातना विच कोशिश करान। रविंदर रैनान च अथ मौकस पेट वोनमुत जे मिलिटेंसी खिलाफ पजे प्रेत के सियासी जमात यकुत करित मुकाबला करुन युजन अमन कायम करनस म आसानी सब दे। आप ही बता, हम ऐसा ही करेंगे। ओ मेरी बच्ची। मैंने यहां एक बात देखी, मैं यहां के पुलवामा के रहने वाले जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, मैं देख रहा हूं कि बड़ी तादाद में आज अंतिम संस्कार में भी यहां वो शामिल हुए। और कल से ही संजय शर्मा साहब जिनकी हत्या कर दी गई, उनकी फैमिली के साथ तमाम यहां के आस पड़ोस के कश्मीरी मुसलमान हमारे भाई बहन उनके साथ यहां खड़े हैं, उनको हौसला दे रहे हैं, ताजियत में इस दुख की घड़ी में इस परिवार के साथ खड़े हैं। ये इंसानियत की एक पहचान है, ये कश्मीरियत की वो पहचान है जिसके लिए कश्मीर जाना जाता है। लेकिन कुछ देखिए, मैं यहां अफसोस करने आया हूं, संजय शर्मा साहब जो कश्मीरी पंडित पुलवामा में मारे गए उनके घर में, मैं इस समय कोई सियासी तनकीद किसी पर नहीं करना चाहता। मैं बस इतना ही कहता हूं, चाहे वो सियासी जमातों के बड़े लोग हों, चाहे वो मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा हों, मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हों, मोहतरम उमर अब्दुल्ला साहब हों, अल्ताफ बुखारी साहब हों, सजाद लोन साहब हों, गुलाम नबी आजाद साहब हों, या हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, इस दहशत गर्दी के खिलाफ हम सबको एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। बंदूक ये नहीं देखेगी कि कोई BJP वाला है या कोई किसी दूसरी सियासी जमात वाला है, बंदूक ये नहीं देखेगी कि कोई हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है, बंदूक ये नहीं देखेगी कि कोई
कश्मीरी पंडित है या कश्मीरी मुसलमान है या डोगरा है या गुजर बकरवाल है या पहाड़ी है, गोली इंसान को लगती है और फिर जमीन खून से लथपथ होते हैं। जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में सीनियर पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं, एक बार उनको बैठ के पूरी रणनीति, पूरी योजना, पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि किस प्रकार जो कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज के हों, नॉन पीएम पैकेज में हों, या फिर ऑल रिजर्व कैटेगरीज के जो हमारे भाई बहन यहाँ काम करते हैं, उनके यहाँ जो सर्विसेज के दौरान किस प्रकार की योजना और पॉलिसी हो, उस पर एक बार गहन चिंतन मंथन करके उसके बाद कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना जो है वो मुझे लगता है कि वो परिस्थितियों के अनुकूल नहीं रहेगा। एक बार बैठ के इस पर रणनीति बनानी होगी और उसके बाद उस रणनीति को अमली जामा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हिंद सरबरा मोहम्मद अलताफ बुखारी आम शहरी सज हलाक पे अफसूस इजहार करान वोनमुत यथ वाक मायूस कुन ये तमो एल जी सदिस दिनामत बयान हवाले कत कान वो यदव तिज सरकार आई यम सारी हुकुमनाम रद्द कर। जितनी निंदा की जा सके कि उतनी इंसानी जान गई है, मैं नहीं ये मानता हूँ पंडित है मुसलमान है कौन है, एक इंसानी जान गया है। बर्बरियत की इससे ज़्यादा कोई निशानी नहीं हो सकती है। कब हम लोगों को अकल आएगी कि खुदा का कहर हम पे इस वक्त चल रहा है, और अगर वो चल रहा है वो इसीलिए चल रहा है कि हम उन जानों को ले रहे हैं जिनका दूर दूर तक भी किसी चीज़ से ताल्लुक नहीं होता है। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब सरकार की नुमाइंदगी करते हैं, वो एक सरकार चला रहे हैं जिसके वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनको सरकार का पक्ष रखना है। सही बात है, उन्होंने अपनी क्लैरिफिकेशन की है, उन्होंने जो बात कही है वो सरकार के पक्ष में उन्होंने की है, और हम चूंकि लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, हमें लोगों के इकोनॉमिक कंडीशन बखूबी मालूम है। हमारे घर बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, हमारे कपड़े भी अच्छे दिखते हैं, ये भी सच बात है, हम मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल करते हैं और शायद डाटा भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 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 वो सब चीज़ें इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे घरों में छः छः सात सात पढ़े लिखे नौजवान बैठे हैं, इन्हीं बड़े मकानों में छः छः सात सात तीन लड़कियां, चार लड़के या चार लड़कियां, दो लड़के बैठे हुए हैं जिनको पढ़ा के ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बना के घरों में बेकार बैठे हुए हैं। तो अब उनका खर्चा पूरा करें कि सरकार का प्रॉपर्टी टैक्स दे दे, हमें तो ये फैसला करना ना कि हम क्या करें। इन बच्चों का सरकार जिम्मेवारी ले ले इनकी, ये जो सात बच्चे हैं इनका जो जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा है तो इनको दे देना। अगर इनको क्यों ना दो दो ढाई ढाई तीन तीन हज़ार रुपया इनको एक ऑनरेरियम दे दे जो बेकार ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स है, तो हम तो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के निकलेंगे, लोगों को कहेंगे दे दो भाई, सरकार दे रही है आपके बच्चों के लिए दे रही है ऑनरेरियम, हमारे 12 से 16 लाख बच्चे हैं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, तो हम लोगों को तैयार करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स भी देने के लिए। लेकिन कम से कम कुछ तो लगे ना कि हमारे ये बच्चे, चलो जिसका मकान बड़ा है लेकिन चार बच्चे घर में बेकार बैठे हैं, उसको कहेंगे भैया तुम्हें 12,000 रुपया तो सरकार दे रही है तेरे बच्चों को, तो फिर तो उस हिसाब से भी देखना चाहिए ना सरकार को। जब सरकार कहती है कि हमें जनाब आपके गली कोचों का देखना है, तो बिना जनाब फिर ये बच्चों का भी देखो ना। एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी में तो ये भी देखा जाता है ना कि जो बच्चा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट है इसको शर्म नहीं आनी चाहिए माँ बाप से मांगने को, सरकार दे दे। हमारा लाए अमल क्या रहेगा, सरकार है, सरकार का ही लाए अमल रहता है। लेकिन अल्लाह के फजल से जिस वक्त हमारी सरकार आएगी, हम इन सब डिसीजंस को रिव्यू करेंगे, और जो डिसीजंस हमें लगेगा कि लोगों के लिए बारी है उन सबको रिव्यू। जनूबी कश्मीर हंदिस गुडू देवसर कुलगमस मज ये रात शाम पत मुकामी नौजवान आदिल अहमद खान सज लाश मशकूक हालत मज पुलिस बरामद सपज, तत पुलिस तरफ लवाजमात पूरे कर पत लाश आखिरी रसूमातों बापत लवाकिन हवाले कर आम, ये जन नौजवान सदों लवाकिनों तरफ इंतजामिया मांग कर आई जे अत मामलस कुन गज
ज्यादा मामलस हवाले गई साफ शफाफ तहकीकत कर असल हक लूकन ब्रो कुन य बोड बरदर अव चोर बज पे अमिस फोन वारिया बिजी पत बजे लगभग दोन सत बजे आव फोन स्विच ऑफ अस गाबरे कोर मामन फोन दोपन तुम स्विच ऑफ तुम हा फोन गा कहें तु दिए नजर अस गामन दर अब यह आव रात नबर अमिस गई त्रे दिन तक ज्यादा कल उस गुमत कह यार दोस्त सत मोर ये स्विच बंद आव गाबरे द्राय झाटने मोल पित्र जो वे मामन तप वे बागस मज य यह गुमत पवन अन्य कंची तत्न कुलिस तल पवन जो तत्न तो ये तोतन वह उस कुलिस कुन अलव क्या अमिस कोठ वटिथ तथ हा चोर आंच तुम हाइट तुम ओठ फुट तो ओर आंचे तुम इन तो अमिस पाँच फुट शांच हाइट अगर यह खड़ा गए अम सेड बाडी आनकन कह तो वही कर गुजारिश डी सी सोबस एस एच ओबस सोबस डिव सर्किस ये कर गुजारिश अस दिन बी सम ठड़ खल दड़ अंकन ये गुजारिश कर बाकी गुदर डिप्टी सरपंच गुदर जनाब ये सात यह वाकत गो बरदर आज आ मे नाद दुपन इत दलील अस बो फलन जी लटक मे जनाब तमें पुलिस यहाँ इत दलील खजन तोतान तोतान कहें योतान वातो जनाब ये तोतान वह अंदर फादरस वो मैं क्या सा दलील अस वो लटक हूं मगर कोठ जमीन सतन अच्छा पता लगन कह कस वाकत गो अच्छा गुजारिश कर अज दी नई रही डी सी साहब से गुजारिश कर एस पी साहब गुजारिश कर जे के ई डी आई दफ्तर पापरस मज आज डायरेक्टर एजाज अहमद सदारत मज तकरीब सांस करना आमुत यथ महकम क्यों दुम जिम्मेदारों तो सरमाकारो शिरकत कर अत मौक पे ये तेजस्वनी स्कीम तहत जन अ ग्रुप एक्सपोजर टूर बापत रवान करना आव तत एजाज अहमद वोनमुत इतन प्रोग्राम सांस कर मकसद इन लूकन यह मुकमल जान फराम कर ब्रो कु रोज इथन कैंपन सांस बदस्तूर जारी बेसिकली जो मिशन यूथ की स्कीमें हैं वो बहुत सारी हैं उनमें हम ट्रेनिंग दे रहे हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में जम्मू में भी और यहाँ कश्मीर में भी तो आज यहाँ फोमपुर में चूँकि ये चलता है सिलसिला अंडर तेजस्विनी स्कीम स्पेशली जो हम लड़कियों को ट्रेनिंग देते हैं अपना जो खुद रोज़गार है उसके लिए तो इस सिलसिले में हम इनको बीच में एक्सपोजर टूर भी करवाते हैं तो आज का टूर भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है इसमें इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी होगा और दूसरा जो फील्ड का विजिट होगा वो भी होगा हमारा जो स्टाफ शुपिनस मज म्यूनसिपल कमेटी तरफ प्रॉपर्टी टैक्सस हवाले जानकारी प्रोग्राम सांस कर आमुत यथ कमेटी हिंदो जिम्मेदारों अवमी नुमाइंदों तो मुकामी लूको शिरकत कर अत मौक पे ये लूकन प्रॉपर्टी टैक्सस हवाले जान फराम कर आई तिम्मेदारों तरफ वन आमुत तत जिम्मेदारों वन आमुत तम गन पलाकन मन जानकारी प्रोग्राम सांस कर लूकन मज पद सपद तशवीश दूर कर रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो एक आर्डर निकाला है 2024 से ये लिया जाएगा इन रेस्पेक्ट ऑफ द अर्बन लोकल अर्बन एरियाज उसी सिले में हमने एक कन्वेंशन यहाँ बुलाई थी लोगों के साथ एक टुगेदर एक मीट हुई आपस में उनको कुछ क्लेरिफिकेशन चाहिए था रिगार्डिंग जो प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा चढ़ा कर कुछ लोगों ने पेश किया था कुछ गलत फहमियाँ उनके पास थी वो हमने क्लियर किया आज वो आप खुद देख रहे हैं कि लोग खुश हो गए आप जब हमने इनको अवेयरनेस दी हमने कैलकुलेटर उनके सामने रखे कि किस में कितने प्रॉपर्टी के आपने देखा कि 40x40 मकान का उस पर 360 रुपये कुछ ऐसे पैसे देना पड़ा तो वो लोग खुश हो गए आप यही क्लियरिफिकेशन करने के लिए हम लोगों ने इनको मुद्दा किया था ग्रीवेंस पोर्ट की एडिशनल डायरेक्टर फूड पुलवाम च गुलिस्तान न्यूज सत कर वोदे मुख्तलिफ इलाको पे बाजरस मज द्रजर हवाले शिकायत मौसूल आ सपजम तु महकम तरफ अत पे रोट लागनस तो सरकार नरकनाम पे अमल कर हवाले मुहिम शुरू कर आमच युन द्रजर पे आसानी सान रोट लागन यी तो आम लूकन राहत वा देखिए आपको याद होगा कुछ दिनों से हमें बहुत से कंप्लेंटें मौसूल हो रही हैं कि डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में और शुपियन में जितने भी मुर्ग फरोश हैं उन्होंने खुद ब खुद
रेट्स का इजाफा किया, किसी जगह हमने सुना है कि 170 रुपए में केजी बेच रहे हैं, किसी जगह हमने ये भी हमें जो मार्केट में जब हम निकले हैं तो 190 पर केजी भी हमने सुना है उन्होंने दिए हैं लोगों को। जहाँ जहाँ से हमें कंप्लेंटें मौसूल हुई वहाँ हमने कार्रवाई की है, जिसे अभी काकपोरा की बात करेंगे, निवा में हमने कार्रवाई की है, राजपुरा में किया, अरिहल में किया है, हमने त्राल में किया है, टहाब और लितर में किया। मैंने सारे जितने भी हमारे TSO साहिबान हैं, जितने भी हमारे सर्कल्स थे, उनको सबों को मार्केट चेकिंग पर आज भी लगाया था, परसों भी लगाया था। अगर परसों की बात करें तो परसों हमने 7 दुकानों को सील किया और आज हमने 11 दुकानों को आज हमने सील किया। जिनको भी हमने सील आज किया है वो लोग जो एक्सेस रेट्स लोगों से वसूल कर रहे थे उनको हमने आज सील किया। जम्मू कश्मीर वॉलंटियर्स रिटायरमेंट एसोसिएशन तरफ आज जम्मू में एहजाज मुजाहरे करने आमुत या दौरान एहजाज में शामिल लूक इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान एहजाज में शामिल लूको तरफ वन आमुत जोदवे स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में तमो वर्य वादन पे फरज अंजाम दी ताहम चुन सबकदोश सपदन पे तिंद मसल द्रावन आमुत यम कि तम एहजाज कर मजबूर सपद एहजाज में शामिल सबकदोश मुलाजमों तरफ से इंतजामिया मांग कर आमुत जिंद मसल द्रावन सवाल गन कदम तुलने यन युत जन तम बुथिन वल मुश्किल दूर कर। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, आज का जो हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन है फाइनेंस डिपार्टमेंट के खिलाफ एंड ट्रांसपोर्ट हाई अथॉरिटी के खिलाफ, क्योंकि सरकार की तरफ से जो ऑर्डर जारी हुआ था वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। ऑर्डर में कोला एरियर, सिक्स पे कमीशन एरियर एंड डी एरियर जिसका अमाउंट है 66,24,21,998 रुपये, वो ऑलरेडी बिल बनकर सिविल सेक्रेटरी में पड़े हुए हैं। हम कॉरपोरेशन के एम्प्लाइज हैं, हमें कोई पेंशन बेनिफिट नहीं है। यही जो दारोमदार है इस एरिया पर गए मंत्री लोग, विधायक जो दो बार जीते हैं, तीन बार जीते हैं, उनकी दो दो तीन तीन पेंशन लगी हुई हैं, जबकि जो विधायक होते हैं वो एक डेली बेसिस होते हैं, वो पब्लिक से। डायरेक्टर जल जीवन जे एन यतुवन च आज नानवनी ब्राकपुरा अनंत नाग दौरे कोरमुत यथ दौरान तिमन हमरा महकमे दोयम अफसर ते मौजूद ऐस दौरस दौरान ये तिमो जारी काम हुन जायजा हो तच तिमो वनमुत जे जिलस में से कयान स्कीमन पेट काम जारी युत जन जिले अनंत नाग किस प्रेत इलाकस में रोजन वाले लूकन साफ चनाब आसानी सान फराहम करने। जैसा कि आप जानते हैं कि जेजम जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जल जीवन मिशन के तहत। जैसा कि आपने, आपको पता ही होगी कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ये स्कीम लॉन्च करी है, हर घर नल से जल का जो है मुद्दा मकसद है, और इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो है जम्मू कश्मीर के में भी जो है वो काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। तो हम लोग आज यहाँ जो है ब्राकपुरा में है, नुनवन में, जहाँ पे हमारी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम जो है वो चल रही है। अगर आप देखिए पूरे अनंतनाग में भी जो है 8.5 करोड़ के करीब जो हमारी जो है स्कीम्स जो है ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा हैं जिन पे काम हमें आगे करना है, कुछ पे काम चल रहा है। और यहाँ पे एक जो है एक वाटर रिजर्वायर, फिल्ट्रेशन प्लांट और एक ओवरहेड टंकी बन रही है, काफ़ी अच्छा काम अभी चल रहा है। हमारे यहाँ पानी समिति के लोग भी हैं, जो हमारे सरपंच साहब यहाँ हैं या बाकी PRIs हैं, उन्होंने मुझे बताया कि वो सेटिस्फाइड है, और मुझे उम्मीद है कि जो टाइमलाइन इसके लिए हमने मुकर्रर करी है, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहबान यहाँ हैं या हमारे जो बाकी फील्ड स्टाफ है वो ज़रूर उस टाइमलाइन के हिसाब से इसको जो है कंप्लीट करेंगे, ताकि यहाँ के आम आदमी को, यहाँ के पब्लिक को जो पानी, पीने के पानी के हवाले से जो मुश्किलात हैं वो जल्द अज जल्द दूर हो। और हमारी ये भी कोशिश है कि पानी जो भी मिले वो क्वालिटी वाटर मिले, और उसके लिए जो ट्रेनिंग, आपको पता ही होगा कि जहाँ हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं वहाँ साथ साथ जो है हम ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, ताकि यहाँ के लोकल जो लोग हैं, यहाँ की पानी समिति, यहाँ पे जो औरतें हैं, जो घर घर जो है हर कोई बंदा एक जो है ट्रेंड हो, वो हमारी कोशिश है कि आने वाले दिनों में वो भी उस भी काम चल रहा है। और तो नाजरीन अच्छी वत कौशर खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।